चतरा के टंडवा प्रखंड क्षेत्र के मिश्रौल पंचायत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मिलने वाले जून और जुलाई महीने का अनाज माफियाओं ने टका लिया। जन वितरण दुकानदारों के द्वारा प्रति व्यक्ति 5 किलो के जगह पर मात्र 2 किलो दिया जा रहा है, जबकि ई पास मशीन में पूरे 5 किलो वितरण को दिखाया जा रहा है। डीलरों और अनाज माफियाओं का ये प्रकरण इन दिनों प्रखंड क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दुकानदारों के द्वारा लाभुकों को ये बताया जा रहा है कि ऊपर से ही कम राशन का आवंटन किया गया है। गरीबों के आवंटित अनाज के बंदरबाज और गबन करने के मामले का खुलासा तब हुआ जब अपने चुने गए जनप्रतिनिधियों और जनता के समक्ष डीलरों ने अनाज माफियाओं के साथ साठगांठ कर गरीबों के अनाज के बंदरबाट करने की बात को स्वीकार किया। पहले तो हम लोग को कुछ जानकारी नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो अचानक मुखिया द्वारा हम लोग को पता चला कि नहीं से वहाँ पे डीलर लोग कुछ राशन का वितरण में मैंने 2 महीने का या 3 महीने का मैंने घोटाला किया गया, तो उसी के संबंध में बैठक रखा गया से आप लोग आइएगा। उसमें गए तो वहाँ पर सारा विस्तार से चालू हुआ, उसके बाद पता चला कि नहीं से 2 महीना का राशन मैंने ऐसे घोटाला हो गया। डीलर लोग यही बताया कि देखिए हम लोग से तो गलती हुआ, आप लोग मैंने हाथ पैर जोड़ने लगा, तो यहाँ के मुखिया जी ने अपने आप में मैंने डिसाइड ले लिए फर्स्ट में कि जे नए से माफ कर दिया जाए, जो चावल 3 किलो या 2 किलो काटते थे वो 7 महीने तक नहीं काटेंगे। तो उसमें आदमी लोग को समझ में ना आया कि क्या काट रहा है, कि वो हमारे ही चीज़ का काट रहा है, इन लोग को पता ही नहीं है, इन लोग को कुछ और लगा, तो उसमें कोई मैंने एक्शन नहीं लिया। डीलर लोग तो यही बोला कि देखिए ऊपर का ही लोग मैंने कुछ हम लोग से मैंने मांगा जाता है और खर्चा बताता है, तो उसी में से मैंने दोनों का तालमेल से वो माइनस हुआ है। इस मामले को लेकर मिश्रौल पंचायत के मुखिया सुबेश राम ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर पंचायत क्षेत्र के जन वितरक दुकानदारों के साथ पंचायत के ग्रामीणों व क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बैठक कर जानकारी ली। अनाज घोटाले की बात हमारे संज्ञान में आई, ये आम जनता के द्वारा आई और उसको मैंने अपने पंचायत भवन मिश्रौल में अपने कार्यकारिणी समितियों के साथ और आम जनता के साथ तथा पंचायत क्षेत्र के डीलरों के साथ सामूहिक बैठक की गई और बैठक में हमारे क्षेत्र के डीलर इस बात को स्वीकार किया कि हमने जून और जुलाई 2 माह का अनाज का प्रधानमंत्री अन्न योजना वो जो है इसे हम लोगों ने गायब किया और उसका उन लोगों ने स्वीकार किया आम जनता के समक्ष। ये इस पर तो घोर निंदा मैं करता हूँ, इस तरह का गरीब का अनाज और ये बीच में लोगों को नहीं मिल पाता है, ये निंदनीय विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में सुखाड़ की समस्या है और गरीबी इलाका है, इसलिए इस क्षेत्र में लोगों को अन्न बीच में नहीं मिलता है, ये बड़ा विडंबना की बात। मामले को लेकर जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने कहा कि सितंबर माह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मद के अनाज में केंद्र से ही आवंटन कम मिला है। हम लोगों को मालूम चला है और मीडिया में भी बात आई है कि टंडुआ में जून जुलाई में एक तथा कथित तौर पर परंतु संगठित तौर पर कोई बैठक बुला करके पूरे के पूरे 2 महीने के चावल का जो है गबन किया गया है। इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जो इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई। ये मामला साफ दिखाता है कि किस प्रकार सरकार जो अनाज गरीबों के लिए देती है लेकिन बिचौलिए उन गरीबों के अनाज गबन कर लेते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चतरा से अशोक तुलस्यान की रिपोर्ट।